नमस्कार, नेशन वन की खास पेशकश बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली और आज हमारे साथ बातों बातों में हमारे मेहमान हैं मुकेश अग्रवाल, जो कि शिवालिक गेंजेस पब्लिक स्कूल के चेयरमैन भी हैं। तो भगवानपुर में इनका ये ग्रामीण क्षेत्र है जहां उनका ये स्कूल है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सर। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मुकेश जी, पत्रकारिता से आपने अपने करियर की शुरुआत की, पत्रकारिता में तब से लेकर अब तक का आपका सफर कैसा रहा? 1989 में शायद आपने अपना करियर शुरू किया था, तब से लेकर अब तक का आपका किस तरह का सफर रहा पत्रकारिता में? जब मैंने पत्रकारिता में शुरुआत करी तो मैं, क्योंकि भगवानपुर का मूलतः निवासी रहा हूँ और उस समय मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और एक पत्रकार के रूप में उस कस्बे से जुड़ा हुआ था और एक जो रीजनल न्यूज़पेपर था उसके लिए न्यूज़ कलेक्ट करके भेजता था जी। तो तब से मैंने लगातार 5 साल तक वहाँ से पत्रकारिता करी और उसके बाद मैं सीधे कॉरपोरेट में मैंने ज्वाइन किया, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स में मुझे देखने को मिला, काम करने को मिला, सीखने को मिला। तब से और अब की पत्रकारिता में काफ़ी अंतर आया है। चीज़ें बहुत फास्ट हुई हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हुई हैं, पर पहले जो पत्रकारिता में लोग आते थे जर्नलिज्म में, वो एक मिशन के तहत आते थे और उसके लिए कोई पैमाना एजुकेशन का नहीं होता था कि आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना ज़रूरी है। परंतु अब जो लोग पत्रकारिता में आते हैं, अधिकांशतः वो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के कोर्सेज के माध्यम से इसमें आते हैं, तो वो एक कैरियर ओरिएंटेड होकर आते हैं। निश्चित रूप से प्रसार और प्रचार दोनों के तरीके से अखबारों में बहुत वृद्धि हुई है, प्रसार संख्या में नए नए न्यूज़ चैनल्स आए हैं, सोशल मीडिया और हर प्रकार के ऑनलाइन आपको न्यूज़ अवेलेबल हो जाती हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट इसमें आप ये कह के चले कि थोड़े बहुत गिरावट नैतिकता मूल्यों में पत्रकारिता के वो अवश्य आई है और वो जो समाज में गिरावट होती है उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं वो हर फील्ड में आता है, तो पत्रकारिता भी अछूता नहीं है। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अब एक शिक्षाविद के तौर पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपने अपनी जो कर्म भूमि है वो अपने ही ग्रामीण क्षेत्र को चुना है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जन सेवक तो आप रहे ही हैं, सामाजिक कार्य भी आप कर ही रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि 2009 में जब आपने ये स्कूल की स्थापना की थी, क्या जज्बा था आपके मन में, क्यों आपने एक स्कूल ही खोलने के बारे में सोचा, कुछ और नहीं? बचपन से जब भी मैंने पढ़ाई के उपरांत कुछ करने की सोची तो ये एक उद्देश्य था, एक ध्येय था, इच्छा थी कि मैं सामाजिक क्षेत्र में ही काम करूं। इसी के तहत मैंने जितना भी समय एक अखबार के साथ बिताया तो वो भी एक सामाजिक कार्य में मान के चलता हूं। और उसके उपरांत मुझे दूसरे फील्ड्स में भी काम करने की इच्छा थी, तो मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्षेत्र एक शिक्षा का ही हो सकता है और वो भी मैं अपने क्षेत्र में करना चाहता था, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, ताकि मैं अपने क्षेत्रवासियों को कुछ एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था उनको उपलब्ध करा सकूँ। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, पर हर व्यक्ति हर क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। मेरे को लगा कि मैं शायद इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रकार से कार्य कर सकूंगा। वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में रह करके सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मंदिर है जहाँ से हमारे देश का भविष्य तय किया जाता है। बिल्कुल। तो और वो भविष्य अच्छा हो उसके अंदर भी सामाजिक जो तौर तरीके हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, वो सीखने का एक मंदिर भी मेरे ख्याल से एक विद्यालय ही होता है। तो उस विद्यालय में आपने सामाजिक जो काम आप कर रहे हैं वो भी आपके विद्यालय से नजर आ रहे हैं। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक का जो आपका विद्यालय का अनुभव रहा है बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, अध्यापकों के साथ, जो आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ, किस तरह का अभी तक का आपका अनुभव रहा है? देखिए, हमारा जो स्कूल है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में खुला हुआ है और स्कूल खोलने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसमें क्षेत्र के बच्चों को एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था हम उपलब्ध करा सकें, क्योंकि अधिकांश बच्चे रुड़की जाते थे और अब उन्हें उसी स्थान पर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गया है जी। और दूसरा उद्देश्य ये भी था कि हम बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ साथ कुछ लोगों को रोजगार से भी जोड़ सकें। तो जितने भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं
वो सब आसपास से तो कमी है रुड़की से ज्यादा, क्योंकि हम क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो जहाँ से भी जो क्वालिफाइड टीचर हमें मिलता है, तो हम लोगों ने रोजगार भी एक तरह से उपलब्ध कराया है और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया है। तो इसलिए उनसे इंटरेक्शन की जहाँ तक बात है, एक खुशी मिलती है कि हम कम से कम इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके हैं और इतने बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म, तो हम लोग तो फैसिलिटेटर हैं एक तरह से देखा जाए, तो हम लोगों ने तो एक मंच प्रदान कर दिया क्योंकि हमारे पास जमीन थी, हमने उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और वहाँ पर अब पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जगह मिल गई जहाँ पर वो शिक्षण अच्छा उनका कार्य हो सकता है। और इसी प्रकार से अपने यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिला है और बाहर के लोगों को भी रोजगार। तो 2009 में आपने ये विद्यालय शुरू किया था, शिवालिक गैंजेस पब्लिक स्कूल। इस स्कूल का नाम जो है शिवालिक गैंजेस है, तो इसके पीछे की भी क्या कोई स्टोरी है तो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? स्कूल 2009 में प्रारंभ किया गया और हमने इसका कंस्ट्रक्शन 2008 में शुरू कर दिया था, बट इसके जो नाम का जो उदय हो गया था वो जनवरी 2007 के आसपास हो चुका था जी। बड़े चिंतन के बाद और उस समय से लेकर स्कूल खुलने तक हम लोगों ने बहुत बार सोचा कि क्या हम इस नाम के अलावा कोई और अच्छा नाम रख सकते हैं, पर जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की तो सबने कहा कि नहीं, इससे बेहतर नाम शायद नहीं हो सकता। जहाँ तक इस नाम के उद्देश्य की बात है, क्योंकि हम हरिद्वार जिले में स्कूल है तो हमारी शिवालिक रेंजेस हैं, पहाड़ियाँ हैं जो राजा जी नेशनल पार्क, ये शिवालिक रेंजेस है और गंगा हमारे हरिद्वार से निकलती है, हर की पैड़ी है, तो हमने प्राकृतिक, हमने कोई धार्मिक उसको नहीं लिया, हमने प्राकृतिक को लिया है, तो शिवालिक रेंज और गंगा नदी उन दोनों के नाम का मिश्रण करते हुए हमने स्कूल का नाम शिवालिक गैंजेस पब्लिक स्कूल रखना उपयुक्त समझा। बहुत अच्छी आपकी सोच रही है अपने स्कूल के लिए और आपके अंदर एक जज्बा दिखता है, एक शिक्षाविद का, एक जन सेवक का और समाज में एक अच्छी सोच लोगों पर उपलब्ध करने का आपके ऊपर ये जज्बा दिखाई दे रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज इतने सालों में आप अपने विद्यालय को कहाँ देखते हैं, जिसको आपने बहुत छोटे से बच्चे की तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अब कहाँ देखते हैं? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा बेबी है, पर इसको पालने में जो भी इससे जुड़े रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे पेरेंट्स हों, ऑल स्टेक होल्डर्स, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। किसी भी उपलब्धि को हम ये नहीं कह सकते कि इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, हो सकता है कि और भी अच्छा हो सकता था, बट कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि है कि जो स्कूल हमने नर्सरी से लेके सिक्स तक 2009 में शुरू किया था, 2014 में हर साल हम एक क्लास एड करते गए, 2014 में हमारा स्कूल 10th एफिलेटेड हो गया CBSE दिल्ली से और 2015 में हम लोग 12th के लिए एफिलेटेड हो गए CBSE दिल्ली से। तो उस प्रकार हर साल हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स की संख्या की छात्र वृद्धि कुछ ना कुछ होती रही है, स्टाफ की भी वृद्धि होती रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वृद्धि होती रही है, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों पर हमारा फोकस रहा है कि भाई हम कम से कम, और क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रहा है, हमने स्ट्रेंथ को उतना ज़्यादा नहीं माना, बट एक शिक्षण संस्था को चलाने के लिए आपको जब तक आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं होगी तो आप उसको फंडिंग या अच्छी एक चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो उस नाते एक आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ संख्या चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा, बट हम लोग क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एवरी ईयर हर साल हम लोग क्वालिटी के ऊपर काम करते रहे हैं और हम चीज़ों को आगे बढ़ा के लेंगे, लोगों ने हमारे में विश्वास व्यक्त किया, इसलिए हम लोग हर साल ग्रो करते रहे हैं और आज की तारीख में स्कूल नर्सरी से लेकर 12th तक है, जिसमें साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम दोनों हम सिंगल सेक्शन रन करते हैं जी। और अगले साल से हम लोग ह्यूमैनिटीज भी प्रारंभ कर देंगे जिसके लिए हमने अप्लाई कर दिया। ह्यूमैनिटीज आपने कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे अगले साल से, साइंसेज और कॉमर्स जो है वो स्ट्रीम आपके विद्यालय में अभी है जो कि अब 12th तक हो गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इन 2009 से और 2018 के बीच की काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण क्षेत्र में आपने बहुत छोटे से शुरू किया था और आज आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं। कितनी संख्या आपके स्कूल की और 10th और 12th के रिजल्ट की यदि बात की जाए तो कितना संतोषजनक मानते हैं आप अपने स्कूल के रिजल्ट? हमारे स्कूल की वर्तमान संख्या लगभग 625 के आसपास है और जब 2009 में हमने शुरू किया था तो ये स्कूल नर्सरी से 6 तक शुरू हुआ था, प्रत्येक वर्ष हमने एक कक्षा ऐड करी है और 2014
मैं हमारा स्कूल CBSE दिल्ली से 10th के लिए एफिलेटेड हो गया था, 2015 में 12th के लिए एफिलेटेड हुआ था। इस साल हमारे यहाँ से 12th का सेकेंड बैच पास आउट हुआ है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम में। जहाँ तक रिजल्ट की बात है, अगर मैं 12th के रिजल्ट की बात करूँ, पिछला साल हमारा जो 2016-17 का रिजल्ट था वो काफ़ी असंतोषजनक मेरी नज़रिए था, और इस साल हमने उसमें मोर देन डबल उसमें एक तरह से इम्प्रूवमेंट किया है। तो अभी भी मैं उसे संतोषजनक इसलिए नहीं कहूँगा कि जो हमारी इच्छा है या हम चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट जिस प्रकार से होना चाहिए उतना तो नहीं है, बट काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है पिछले सालों के मुकाबले। जहाँ तक 10th के रिज़ल्ट की बात है, आपको पता है कि लास्ट ईयर तक स्कूल में ज़्यादातर स्कूलों में इंटरनल एग्जामिनेशन होते थे, तो हमारे यहाँ भी इंटरनल रिज़ल्ट था, तो इसलिए एक्सटर्नल रिज़ल्ट के नाते ही हमारा पहला वर्ष था। उसके बारे में मैं ज़रूर इतना कह सकता हूँ कि वो काफ़ी हद तक संतोषजनक है, क्योंकि हमारा स्कूल का रिज़ल्ट हरिद्वार जनपद का जो एवरेज रिज़ल्ट है, देहरादून जनपद का जो एवरेज रिज़ल्ट है, और जो न्यू दिल्ली CBSE का भी जो एवरेज रिज़ल्ट है उससे ऊपर है। तो 87.5% स्टूडेंट्स हमारे इसमें पास हुए हैं, और बाकी की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो मे बी कि अगर वो पास हो जाते हैं तो वो 100% रिजल्ट हो जाएगा। अगले वर्ष से हम लोग अपने स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। अधिकांश स्कूल मैंने देखा है कि वो साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम ही रखते हैं और ह्यूमैनिटीज़ को अवॉइड करते हैं, परंतु हमें ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण कुछ बच्चे थोड़ा एजुकेशनली वीक होते हैं जिनको, और या फिर वो ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं जिसमें ह्यूमैनिटीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो हमने लगभग 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, और अगले साल जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करना चाहेंगे जी, जो कि 2018 और 19 का सेशन ख़त्म होने के बाद जी, 2019 और 20 का जो सेशन होगा जी, तो उसमें हम तीसरी स्ट्रीम भी ऐड कर लेंगे, और ये हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी जिसको मैं समझता हूँ। तो आपका कोएड स्कूल है ये? यस। तो किस तरीके की सर्वांगीण विकास की यदि बात की जाए, बच्चों के सर्वांगीण विकास की, तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ने आते हैं, किस तरीके की सोच वहां पर आपको उन बच्चों में देखने के लिए मिलती है जब वो एक साथ स्कूल के प्रेमिसेस में आकर के पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, किस तरह का माहौल देखते हैं और सर्वांगीण विकास के लिए अब और क्या प्रयास करते हैं? हमारा स्कूल प्रारंभ से ही एक कोएड स्कूल है जिसमें लड़के लड़कियां समान रूप से अध्ययन करते हैं, और मैंने देखा है कि लड़के हों या लड़कियां दोनों आपस में बहुत मेल जोल से कह सकते हैं, और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों चीज़ें मैं कहूँगा, प्रतियोगिता भी उनमें रहती है आपस में एक दूसरे से, और सहयोग भी रहता है जी। तो मेरे को कभी कोई भेदभाव उस प्रकार से नज़र नहीं आया, और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी हिचक नहीं है, और मैं बड़े दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि लड़कियाँ निश्चित रूप से पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर हैं, डिसिप्लिन में बेहतर हैं, चाहे वो ड्रेस डिसिप्लिन हो उनका, चाहे क्लासरूम डिसिप्लिन हो, हर प्रकार के डिसिप्लिन में लड़कियां आगे हैं। और अभी भी जो हमारा 12th का बैच इस समय चल रहा है, 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें जो टॉपर हैं बच्चों में, तो उसमें ज़्यादा जो संख्या है वो लड़कियों की है, और लड़के और लड़कियां समान रूप से जितने भी स्कूल के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे क्विज डिबेट से रिलेटेड हैं, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, या फिर हमारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, हर एक में पार्टिसिपेट करते हैं। हम इलेक्शन भी कंडक्ट कराते हैं अपने स्कूल में, हेड बॉय हेड गर्ल का, और वो ये बताने और जताने के लिए होता है कि कैसे एक इलेक्शन प्रोसीजर होता है, उससे बच्चों को एक फुल फ्लेज बूथ बना के इलेक्शन कैंपेनिंग तक करते हैं बच्चे, तो उसमें लड़कियां भी खड़ी होती हैं, लड़के भी खड़े होते हैं। तो इसलिए मेरे को कहीं ये नज़र नहीं आया कि किसी प्रकार का भेदभाव उनमें आपस में है, या हमारी तरफ से है, या टीचर्स की तरफ से है। बहुत कोहिनेस के साथ, आपस में मेल जोल के साथ वो लोग करते हैं, और लड़कियां हमारे यहाँ हो सकता है कि संख्या थोड़ी सी अगर बराबर तो होगी, नहीं तो हो सकता है संख्या लड़कियों की हमारे यहाँ कुछ ज्यादा भी।
हर पेरेंट अपने बच्चे को उस विद्यालय में यही सोचकर भेजता है कि हमारा बच्चा जब बाहर निकलेगा तो इंग्लिश बोलता हुआ निकलेगा। क्या इस तरह की सोच वहाँ पर है लोगों में? ये सोच उन सभी पेरेंट्स की होती है जो अपने बच्चों को कहीं भी पब्लिक स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, और ये मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बाहर जाके कुछ करना है, आपको सदर्न स्टेट्स में जाके बात करनी है, काम करना है, आपको अब्रॉड जाके काम करना है, तो इंग्लिश वुड बी ए कॉमन लैंग्वेज विच यू कैन यूज़ एवरीवेयर। तो इसलिए पेरेंट्स की अपेक्षा बिल्कुल गलत नहीं है, उसके लिए हमारी तरफ से ठोस प्रयास किए जाते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नर्सरी से ही बच्चों को ना केवल पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, बल्कि बोलने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, इंटरेक्शन उनसे इंग्लिश में किया जाता है। सभी टीचर्स से ये हम लोगों ने कह रखा है कि वो जब भी क्लासेस देंगे तो इंग्लिश में ही उनको पढ़ाना पड़ेगा। सब सब्जेक्ट्स का जो डिक्टेशन है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो इंग्लिश है, और स्कूल में काफ़ी हद तक माहौल ही है। और बच्चों को मैंने ये महसूस किया है, जो बच्चे हमारे यहाँ से निकल के फाइनली जाते हैं, और उससे पहले क्योंकि बहुत बार बहुत चीज़ों में इंटरेक्शन होता है, तो आई फाउंड देम कि वो इंग्लिश में प्रॉपर बोल पाते हैं, बोल लेते हैं, और बहुत हद तक हम पेरेंट्स की उन अपेक्षाओं को पूरा करने की ना केवल कोशिश करते हैं, बल्कि उसमें हम एक तरह से सक्सेसफुल भी रहते हैं। जहाँ तक इंग्लिश सब्जेक्ट की बात है, तो हमने महसूस किया है कि बहुत से बच्चे टीचर्स भी उतना कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं होते। जो फैकल्टी बहुत से एमए इंग्लिश करके आते हैं, तो मैंने महसूस किया है कि वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है वातावरण। अगर इसका मैं एक उदाहरण दूँ, आप मिलिट्री में जाएंगे, जो हमारे फौजी भाई हैं वो चाहे 10th और 12th करके फौज में जाते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश को बोलने में, समझने में। उसके पीछे कारण वही है कि उनका वातावरण इस प्रकार का होता है कि उन्हें इंग्लिश सुनने को, बोलने का मौका मिलता है, सुनने को मिलता है, उसे सीखते हैं। बाजार में कहीं कोई ऐसी टैबलेट अवेलेबल नहीं होती कि जिसे आपने खाया और आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो इंग्लिश जहाँ तक आपको सीखने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको जीवन पर्यंत काम करना पड़ता है, रेगुलर टच में बना रहता है। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, आप इंग्लिश की न्यूज़ सुने, आप इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में सोचें। जब तक आप अपने को टेस्ट नहीं करेंगे या उसमें एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, और जब भी आप उसे बाहर हो जाएंगे इंग्लिश से, तो वो भी आपसे फिसलती चली जाएगी। तो आपको रेगुलर टच में बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों से अपेक्षा की जाती है स्कूल में, उनको बार बार मंचों के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों में इंग्लिश के प्लेस भी होते हैं, जब हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ना केवल हिंदी के, इंग्लिश के भी हम प्लेस करते हैं। तो बहुत ऐसे मौके मिलते हैं हम जहाँ बच्चों को एक्सटेम्पो बोलने का, डिबेट का, क्विज का, तो जहाँ पर छोटे बच्चे भी मैंने देखा है कि डिबेट में, इंग्लिश की डिबेट में वो फ्लुएंटली बोल पाते हैं। तो मैं उससे काफ़ी हद तक अपने को सेटिस्फाइड मानता हूँ कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके सकारात्मक रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम आप अपने स्कूल में आयोजित करते हैं जो छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे भी क्या इस तरीके के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं जहां उनको अपने को अभिव्यक्त करने का मौका मिले, अपने आप को बताने का मौका मिले? स्कूल में बच्चों को बहुत मौके अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। जहां तक बच्चों का कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की बात है, और इंग्लिश में बोलने का कॉन्फिडेंस आए, मंचों से बोल सके, उसके लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। जैसे क्लास वाइज नर्सरी क्लास से ही बच्चों को माई सेल्फ सिखाया जाता है, जिसमें कि वो अपने को इंट्रोड्यूस कर सकें, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है, उसमें ये संख्या इन प्रश्नों की बढ़ जाती है, सो दैट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी और बढ़ती है, रिमेम्बरेंस की भी बढ़ती है कैपेसिटी, तो वो ज़्यादा सीख पाता है। इसके अलावा टीचर्स भी क्लासेस में उनसे एक्स टेम्पो भी कराते हैं, उनसे रीडिंग भी कराते हैं, कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसे जैसे बच्चा अलग ऊंची क्लास में पहुंचता है, सेकंड में आया, थर्ड में आया, तो कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन रेगुलर एक्सरसाइज है। इंग्लिश का ग्रामर और लिटरेचर के अलावा भी ये सेपरेट पीरियड्स हैं फॉर दिस पर्पस। जहाँ तक बच्चों के कॉन्फिडेंस की बात है, जब भी हमारी असेंबलीज होती हैं, असेंबलीज में बच्चों को पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलता है,
तो वहाँ पर वो अलग अलग प्रकार से, छोटे बच्चे हैं वो पोएम्स और राइम्स के माध्यम से अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, बड़े बच्चे हैं वो चाहे वो उन्हें न्यूज़ बोलना हो, थॉट ऑफ द डे बोलना हो, उन्हें क्विज क्वेश्चंस बोलने हो या उस डे का इम्पोर्टेंस बताना हो, तो वहाँ पर या जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें बच्चे को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है और कलेक्टिव भी होती है। तो जब बच्चा मंच पे जाता है, पहले ग्रुप में जाता है, तो कुछ कॉन्फिडेंस उसका बनता है, फिर धीरे धीरे फिर वही बच्चा जब वो इंडिविजुअली जाता है तो वो उसको फेस कर पाता है। जैसे हमारे यहाँ हम साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे यहाँ स्टैटिक मॉडल्स भी होते हैं और डायनेमिक मॉडल्स भी होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे खुद ही जो विजिटर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस उनका रहता है, दे आर वेरी इजीली एबल टू इंटरैक्ट विद द पेरेंट्स एंड द विजिटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस समाज में देखने को मिलती है कि बच्चे बहुत स्ट्रेस रहते हैं अपनी एजुकेशन को लेकर के, पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस रहते हैं और उनका बहुत जोर रहता है अपने बच्चों पर ये कह करके कि 90% होनी चाहिए, ऑल दो 100% होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब जो है प्रतियोगिता का दौर है, कंपटीशन का ज़माना है। DU में यदि एडमिशन लेना है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसमें एडमिशन के लिए आपको इतने परसेंटेज होना चाहिए। तो क्या उस परसेंटेज के दौर में जो एक अच्छा व्यक्तित्व बच्चों का नर्चर होना होता है, क्या वो कहीं खो सा नहीं जाता, कभी लगा आपको ऐसा? बिल्कुल सही आपने ये मुद्दा उठाया, और ये केवल हमारे स्कूल हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये पूरे समाज का एक मुद्दा है कि जहाँ पर हम लोग बच्चों को बहुत स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं उसके लिए ज़्यादातर हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, हम एज अ पेरेंट्स हम लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, कुछ स्कूल्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं वेयर वी एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू परफॉर्म एंड गिव मोर देन 90% रिजल्ट्स अपने स्कूल का नाम करने के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं उनका बचपन खोता है। ये समस्या हमें पेरेंट्स को एक चीज़ अवश्य समझनी चाहिए कि हम बच्चे की एक तो कैपेसिटी को देखें, बच्चे की इच्छा को देखें कि वो क्या करना चाहता है। एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की होना कोई बुरी बात नहीं है, सभी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे बच्चे पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, बट ओवर एक्सपेक्टेशन वहाँ पर गड़बड़ होता है और उसी का नतीजा होता है कि आप कितने ही ऐसे केसेस समाज में जब भी रिजल्ट्स आते हैं मेजर एग्जामिनेशंस के, चाहे वो 10th हो, 12th हो या इंटरनल जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, उसके रिजल्ट के बाद आपको देखने सुनने को पढ़ने को मिलता है कि कितने बच्चों ने खुदकुशी की। तो इससे हमें दूर रखने के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल वातावरण देना पड़ेगा कि हम बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको पहले समझें, उसकी क्षमताओं को समझें, उसकी इच्छाओं को समझें, उसके टैलेंट को समझें और उसे प्रेरित करें कि वो उसी फील्ड में आगे बढ़े। उसके लिए हम चीज़ें कठिन ना बनाएं बल्कि आसान बनाएं, उसको रास्ता दिखाएं। उसको अगर हम रोज कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव हम बोलेंगे या उसमें बुराई निकालेंगे तो बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता है, डिप्रेस्ड होता है। इस तरह की सिचुएशंस मैं कहता हूँ कि ये केवल हमारे यहाँ नहीं, हमारे स्कूल में ही नहीं, हम भी उसी तरह की सिचुएशंस को फेस करते हैं जो कि शायद समाज में रहते हुए बाकी लोग और स्कूल्स भी फेस करते होंगे। बहुत ऐसे इंडिविजुअल केसेस हमारी जानकारी में हमारे सामने लाए जाते हैं कि जहाँ पर बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता है, और वो बहुत से कारण होते हैं, किसी के पारिवारिक कारण भी होते हैं, कहीं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, तो वी नीड टू गिव अ कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट टू आवर स्टूडेंट्स, सो दैट इज वेरी नेसेसरी। नैतिक मूल्यों की हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिकता है, जो नैतिक एथिक्स है हमारे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, जो वैल्यूज़ है वो कहीं ख़त्म हो रही हैं। स्टडीज़ में हम बहुत आगे जा रहे हैं लेकिन नैतिक मूल्य हमारे उतने ही कमज़ोर हो रहे हैं, उस पर आपके विद्यालय में किसी तरह का कोई ध्यान दिया जा रहा है? बच्चों को अच्छी एकेडमिक्स देने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि उसको नैतिक यानी कि मॉरल वैल्यूज़ जिसे हम बात करते हैं उसको बढ़ावा देना भी बहुत आवश्यक है। एक कॉन्सेप्ट होता है IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट, दूसरा होता है EQ इमोशनल क्वोशेंट। अधिकांशतः हम लोग का मतलब हम समाज की बात कर रहे हैं, हम IQ बढ़ाने की बात करते हैं, EQ बढ़ाने की बात नहीं करते किसी भी बच्चे की या व्यक्ति की।
इमोशनल क्वोशेंट को एड्रेस करना, उसको बढ़ाना आईक्यू जितना ही है उससे ज़्यादा आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि बच्चे का सफल होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा है, बट अगर वो बच्चा बाकी चीज़ों में भी अच्छा हो, उसके नैतिक मूल्य हो, एक अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा इंजीनियर का मतलब अगर एक बहुत कामयाब इंजीनियर है, बट अगर वो कहीं भ्रष्ट है तो जो समाज में जो काम कराएगा उसकी क्या क्वालिटी होगी, इसको भी आप समझ सकते हैं। इसलिए नैतिकता का जो पाठ पढ़ाने की बात है वो एक एजुकेशन में जुड़ा हुआ हिस्सा है, उसे हम एजुकेशन से बाहर बिल्कुल नहीं मान सकते। अच्छे वैल्यूज़ या तो बच्चे को घर से मिलते हैं या स्कूल्स में उसको रूबरू दीदार कराया जाता है कि अच्छी चीज़ें क्या होती हैं। हमारे स्कूल में जो असेंबली होती है उसमें रोज़ कहीं ना कहीं एक कहानी हमारे टीचर अलग अलग विषयों पर, जिसमें कि प्रेरित प्रेरणा करने के लिए होते हैं कि वो क्या करने से क्या अच्छा होता है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुराई क्या बुरा है, तो इस प्रकार की जानकारी उनको रोज भी दी जाती है। उनसे बहुत कुछ अपेक्षा किया जाता है, मॉरल वैल्यूज़ के अलग अलग सेशंस भी होते हैं, तो एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज। हम टीचर से भी ये भी कहते हैं कि जब भी वो क्लास में जाएं तो बच्चों को एकेडमिक्स शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ अलग से भी काउंसिल करें, सो दैट उनका एटीट्यूड भी चेंज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं, नेगेटिव एटीट्यूड में बच्चे ना काम करें, वो सकारात्मक सोचें, सकारात्मक करें। और इसीलिए ये बहुत मैं दावे से कह सकता हूँ कि अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल के बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि वो कोई तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते, आपस में मारपीट नहीं करते, तो बहुत अच्छी चीज़ें वो उनको वातावरण, क्योंकि जैसा हम देंगे वैसे ही वो बनेंगे, तो हमारी कोशिश भी रहती है अच्छा वातावरण देने की, और उससे वो सीखते भी हैं। हमने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो बच्चे दूसरे स्कूल से आए जो बहुत नोटोरियस थे, तो वो हमारे यहाँ आके वो काफ़ी चेंज उनमें नज़र आए, उन्हें लगा कि हम वहाँ दूसरे स्कूल में जो करते थे वो यहाँ शायद नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें अपने आप में चेंज लाना पड़ा। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इन चीज़ों का। और मॉरल वैल्यूज़ तो कंटिन्यूस, ये मैं कहता हूँ कि जब तक स्कूल्स एग्जिस्ट करेंगे एकेडमिक्स के साथ साथ, जब तक ये आप नहीं देंगे तो एक सफल इंसान तो बन सकता है एकेडमिक से, पर अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अच्छा इंसान और सफल इंसान दोनों ही हमारी समाज की ज़रूरत है, जो सफल इंसान हो वो अच्छा भी हो। जहाँ तक इसके अलावा बच्चों को अच्छी चीज़ें बताने की समझाने की हैं, हम लोग अपने यहाँ पिछले 2 सालों से हम लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स डे आयोजित करना प्रारंभ किया है, और उसमें हम सभी बच्चों को कहते हैं कि वो अपने घर में परिवार में जो बुजुर्ग हैं, चाहे दादा दादी नाना नानी ताऊ हैं मामा हैं, तो उनको उस कार्यक्रम में लाएं, और अगर वो उनको कोई गिफ्ट भी देना चाहें तो हम मन से उन गिफ्ट को उनसे दिलवाते भी हैं उसके पीछे। और उसी के साथ जैसे पिछले वर्ष हमने 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया था, तो उसके साथ साथ हमने स्कूल प्रांगण भी अपने ग्राउंड में एक मेले का आयोजन किया, जहाँ पर बच्चे अपने जिन बुजुर्गों को साथ में लाए हैं उनको मेले में घुमा सकें, उनको खिला सकें। तो इस प्रकार से वो कम से कम एक इंटरेक्शन, जो हमने देखा है कि जनरेशन गैप रहता है, इंटरेक्शन बड़ों से नहीं होता, हम उनकी वैल्यू नहीं समझते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो उनको क्लोज एक नज़दीक लाने का एक माहौल मौका हम लोग देते हैं। और ये हम कहते हैं कि केवल एक दिन की एक्सरसाइज नहीं, पूरे हमेशा उनको दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि उन्हें अपने बुजुर्गों का, अपने घर में पारिवारिक सदस्यों का सबका सम्मान करना है। इसके अलावा हम लोग बच्चों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक आयोजित करते हैं दूसरे स्कूलों में जाके, गांव बस्ती में जाके, जिसमें सामाजिक हम उसमें इस प्रकार के जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या स्वच्छता अभियान, तो इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सोशल अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं। वो गाँवों में जाके भी बुजुर्गों से मिलते हैं और उनको साफ सफाई के बारे में और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। हमने पिछले साल एक सर्वे कराया था जिसमें करीब हमने 100 मतलब 10 बच्चों से 10-10 फॉर्म भरवाए थे, तो करीब 100 फॉर्म भरवाए गए थे अलग अलग, जो पेरेंट्स हमारे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं बुजुर्ग उनके बच्चे, बट ये सर्वे कराए थे कि उनकी समस्या क्या है और क्या वो अपने फैमिली से परिवार से दुखी हैं। तो टचवुड ये ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धि मैं कहूँगा, क्योंकि शहरों में शायद अगर ये सर्वे कराएंगे तो आपको ऐसी
नहीं मिलेगा, परंतु मैं जो मेरा उस सर्वे का एनालिसिस था उसमें यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले बुजुर्ग हैं वो अपनी फैमिली से बहुत खुश हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से भी हम लोग इंटरेक्शन सामाजिक क्षेत्रों में कराते हैं, तो बच्चों को जब इन तरह की चीज़ें कराते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। वृक्षारोपण हम लोग कराते हैं हमारे स्कूल में ही, क्योंकि बहुत पेड़ आम के जामुन के हैं, तो अपनी हमने नर्सरी तैयार की हुई है। जब भी हम साल भर में प्लांटेशन डे बरसात के मौसम में होता है, बच्चों को पेड़ बांटते हैं, वो जाके अपने ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल एरिया के बहुत से बच्चे कृषक परिवार से हैं, अपने घरों में जाके वो अपने खेतों में जाके लगाते हैं प्लांट्स को। और पिछले साल दो साल पहले हम लोगों ने मोहन में फलदार वृक्षों का, आम के, जामुन के और सिंबल के, इस प्रकार के वृक्षों का मोहन में जंगल में पौधारोपण किया था। पिछले साल रुड़की केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है वहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे पेड़ ले गए थे और वहाँ के स्कूल के बच्चों के सहयोग के साथ उन्होंने वहाँ पर उनके स्कूल प्रांगण में हमने प्लांटेशन किया था। तो इस प्रकार के कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं। तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर मुकेश जी से की हैं, जो कि एक शिक्षाविद हैं और सामाजिक कार्यों में भी उनकी अभिरुचि है, जो कि शिक्षा के मंदिर से ही वो बच्चों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है और हम चाहेंगे, नेशन वन हमेशा ये चाहेगा कि आपका विद्यालय दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे, तरक्की करे और आप भी इसी तरह समाज का हिस्सा बने रहें और अच्छे अच्छे कार्य जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर लोगों को जागरूक करते रहें। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मैं नेशन वन के प्रगति की उन्नति की बहुत कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की बातों बातों कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।